नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPSC CESS एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2018 वेनसडे। तो दोस्तों शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल डिकोड इन हिंदी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो चैनल है वो 13 मई 2018 को अपना सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल कोर्सेज के साथ लॉन्च अप कर रही है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स को देखना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले नजर डालते हैं फन फैक्ट्स के ऊपर। आज हम आपके लिए जो फन फैक्ट्स लाए हैं, जो वो फन फैक्ट्स है वो पूरे के पूरे जीएसटी बेस्ड फन फैक्ट्स है। जो पहला हम फन फैक्ट आपको डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि विश्व में अब तक 161 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है और भारत इसमें से सबसे लास्ट 161 कंट्री है। इसके अलावा जो हमने पिछले एपिसोड में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि अब तक जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने कितने छोटे बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसका आंसर है 18 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उन्होंने जब से उन्होंने 2011 से कमान संभाली है। और आज का जो जीएसटी बेस हमने आपके लिए फन फैक्ट का क्वेश्चन बनाया है वो कुछ इस तरह से है कि विच कंट्री इंप्लीमेंटेड जीएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कौन सा कंट्री है विश्व में जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके आंसर को हमारे आंसर सेगमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, आपके नाम के साथ फ्लैश अप करेंगे हमारे इस स्लाइड के अंदर। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और आज के जो चारों एडिटोरियल है इसके ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। पहला जो आर्टिकल है हाउ द डेटा सेट्स स्टेक अप, ये आर्टिकल है। ये पूरा एक इंटरव्यू बेस्ड आर्टिकल है जिसमें राइटर महेंद्र देव और रंगराजन की एक इंटरव्यू होते रंगराजन का इंटरव्यू है। इसके अंदर पॉवर्टी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम अब इस आर्टिकल की जिस्ट जरूर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछा जा सकता है या फिर ऐसे राइटिंग में भी इस तरह के आर्टिकल्स की डिटेल हमारे लिए काम हो सकती है। तो हल्की सी डिस्कशन इसके ऊपर कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर एक बहस हो रही है कि अगर हम देखा जाए कि 1990 से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन उसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी पॉवर्टी वो हर साल दिन प्रतिदिन घटती नजर आ रही है, लेकिन जो नेशन के अंदर जो गरीब है वो तो कम होते नहीं है, लेकिन ये नंबर्स जो है ये ऐसा शो करते हैं कि गरीबी घटती जा रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है और जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स है पॉवर्टी मेजर करने के लिए इसके ऊपर एक कंपैरिजन दी गई है। पहली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि गिनी कोएफिशिएंट है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है कि अगर कोई कंट्री, ये कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट हमेशा मेजर होते हैं 0 से 1 से लेकर 1, यानी कि नेशन के लिए सबसे बुरी कंडीशन जिसके अंदर कि 1% या उससे कम की पॉपुलेशन के पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्वायर्ड हो चुकी है, और 0 यानी कि एक नेशन के लिए दी बेस्ट कंडीशन कि हाँ उसकी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। कोई ऐसा नामुमकिन है कि किसी भी कंट्री की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इक्वल हो कि उसका कोएफिशिएंट 0 आए। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर 0.40 का जो कोएफिशिएंट अगर किसी कंट्री को मिलता है तो वो कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन कोएफिशिएंट है। स्टेटिस्टिकली प्रूवन जो नंबर हम कह सकते हैं 0.40 काफी बेहतर कंडीशन डिफाइन करता है किसी नेशन की। इस आर्टिकल के अंदर 2-4 वर्ड्स भी दिए गए हैं। एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ऐसा सेंसस के साथ कनेक्टेड है। दूसरा है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक और उसको NAS भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें है वो सेंसस को कनेक्ट करती है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप पाए या फिर ऐसा राइटिंग में ऐसी कुछ चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहे अपने ऐसे के अंदर, तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे टॉपिक सेंसस के साथ कनेक्टेड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है पॉवर्टी मेजर करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट किया है तो मिस्टर रंगराजन जो इस इंटरव्यू में पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी और रंगराजन जी की खुद की कमेटी थी, इन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए थे कि अगर किसी इंसान को पुअर ठहराना है तो उसके लिए हमें 2 चीजें देखनी है, उसकी फूड नीड और नॉन फूड नीड, और उस फूड नीड और नॉन फूड नीड को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए उसको मिनिमम कितनी अमाउंट की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान मंथली उतनी इनकम जनरेट कर लेता है या फिर डेली वेजेस के ऊपर उतनी अमाउंट एक्वायर कर लेता है, मार्केट से कमा लेता है, तो वो गरीब नहीं है। तो अगर ये डेटा जो फिगर्स दिए गए हैं, हर सेंसस में जो कम फिगर्स आते हैं वो काफी छोटे फिगर्स होते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में इतना इन्फ्लेशन होने के बाद इतने छोटे नंबर से गुजारा हो पाना नामुमकिन है। तो स्टेटिस्टिकली तो हम बताते हैं कि हम
गरीब नहीं है या फिर हम बहुत ही हमारी देश की पॉपुलेशन बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीब है, लेकिन इन रियलिटी द पॉवर्टी रेट इज वेरी हाई। तो ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर डिस्कशन है कि हमारी जो पॉवर्टी मेजर करने की जो टेक्निक है वो काफी पुरानी भी है और सही भी नहीं है। तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन है ये आर्टिकल में, ये कहीं ना कहीं हमें आगे जाके कहीं भी चुभ सकता है, इसलिए छोटी सी हल्की सी डिस्कशन इसके ऊपर हमने कर ली है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये जो आर्टिकल है द फोन्स इन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये वाला जो आर्टिकल है जो अभी हाल ही में खबर मिली थी कि रशियन डिप्लोमेट्स को विश्व के कई कंट्रीज ने वहां से निकाल दिया है, तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो पूरी रशियन डिप्लोमेट्स की एक्सपल्जन के ऊपर बनाई है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो वहां जाके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चेकआउट करना ना भूले। ये आर्टिकल में जितनी इंफॉर्मेशन दी गई या फिर हम इसको किस तरह से भी डिकोड कर ले तो इससे बढ़िया तरीके से हमने उस वीडियो में स्पेसिफिकली बताया है। तो ये देख लेते हैं कि ये आर्टिकल को डिफाइन करने के लिए एक ऐसा पिक्चर दिया गया है जिसमें ये येलो है ये रशिया है और ये जो ब्लैक है वो जो रशियन डिप्लोमेट्स और रशियन सोसाइटी को जो अपोज कर रहे हैं ये ब्लैक वाले वो लोग हैं और ये व्हाइट वाले वो लोग हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आर्टिकल इस तरह से कहता है कि रशिया एक इस तरह के मुकाम पे खड़ा है जहां पे विश्व के कई कंट्रीज उनको सपोर्ट करते हैं, कई कंट्रीज उसको विरोध करते नजर आ रहे हैं। इवन ट्रंप ने इवन नोटा कंट्रीज जो है उन्होंने किस तरह से रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सप्लोजन कर दिया। इवन अमेरिका ने 60 रशियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल दिया, ब्रिटेन ने वहां से 32 रशियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल दिया। तो ये पूरा जो मांजरा था, तो ये क्या है इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उसकी लिंक रखेंगे, तो प्लीज वहां से जाके चेकआउट करें क्योंकि इस आर्टिकल से बेहतर तरीके से हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं जो थर्ड आर्टिकल है वो किस तरह से है और फोर्थ आर्टिकल किस तरह से है। थर्ड और फोर्थ आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, दोनों आर्टिकल जनरल स्टडीज के पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके इसरो के रिलेटेड आर्टिकल है कि किस तरह से क्या ऐसी अड़चन आई जिस तरह से जो वहां पे सैटेलाइट छोड़ी गई थी जिसका नाम दिया गया था GS-86A। तो ये GS-86 के बाद की जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई सैटेलाइट थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको पहुंचना था, लेकिन पहुंचने से पहले उसके साथ जो कनेक्शन थे वो इसरो के कट हो चुके हो। तो क्या माजरा हुआ है, क्या है और इससे हमें क्या लेसन लेना है, ये पूरी आर्टिकल इसके ऊपर बेस्ड है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जीएस पेपर 3 के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर बार हम देखते हैं कि इसरो से रिलेटेड स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमारे लिए पूछे जाते हैं, इवन इनके ऊपर मेंस के अंदर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिकल है वो ये जीएसटी को रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके ऊपर स्पेसिफिकली अगर फोकस करके देखा जाए तो ई वे बिल की जो सिस्टम है उसके ऊपर इसके अंदर डिस्कशन किया गया है कि जो फरवरी में लॉन्च होने वाला था ई वे बिल सिस्टम वो फरवरी में लॉन्च नहीं हुआ और ये जाके आगे लॉन्च होता है अब 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में इस चीज को सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस से भी देखा गया है तो किस तरह से ये इसने वर्क किया है और नेशन ने इसको किस तरह से सपोर्ट किया है। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर डिस्कशन है और ये किस तरह से अभी आगे जाके किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन के लिए इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या लिमिट्स रखी गई है, किस तरह से ई वे बिल जनरेट करने हैं, क्या मार्जिन्स रखे गए हैं। तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, ये वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एग्जाम से व्यू पॉइंट को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये पूरा आर्टिकल किस तरह से डिकोड हो सकता है। तो पहले हम नजर डालते हैं ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल होता है अगर एक ट्रांसपोर्ट और बिजनेस ओनर को अपने ट्रक या शिप में एक तरह से गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है और वो कंसाइनमेंट या तो 50,000 का है या 50,000 से बड़े अमाउंट का है और 10 किलोमीटर से ज्यादा की उसकी मूवमेंट करवानी है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उन लोगों को ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है गुड्स की मूवमेंट के लिए। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो पूरा जो इसको जनरेट पहले तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क से, और इसको जनरेट करने के लिए दो चीजें जरूरी है, या तो जो गुड्स की मूवमेंट है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एक सिटी में हो, एक स्टेट में हो, एक
सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स जा रहे हो तो ये 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा का ट्रैवलिंग डिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो कंसाइनमेंट है, जो गुड्स है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 50,000 या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा अब भी जो कंपलसरी इंप्लीमेंटेशन हो चुका है 1 अगस्त से 15th में का जो ट्रायल 15th अप्रैल तक का जो ट्रायल पीरियड रखा है 15 दिनों का, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, तो उसके अंदर अभी 100 किलोमीटर की मूवमेंट के ऊपर रखा गया है। और पहले दिन के लिए रखा गया था 100 किलोमीटर, उसके बाद के जो 2 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल है उसके लिए 10 किलोमीटर वाली रेंज रखी गई है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है, ये ईवे बिल ये इस तरह से जनरेट होते हो और इसके लिए किस किन किन लोगों के लिए कंपलसरी, ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो पूरे जो गुड्स है वो सारे के सारे गुड्स इसमें कवर नहीं होते हैं, जिस तरह से हम देखें कि कौन कौन से गुड्स कवर नहीं होते। पहले जो पेरिशेबल आइटम्स है जैसे कि मीट है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वो इसके अंदर कवर नहीं होते क्योंकि वो पेरिशेबल होते हैं, 2, 4 या 6 दिन के अंदर उसकी जो आयु होती है वो समाप्त हो जाती है, उसका कंजम्पशन 2, 4, 6, 8 दिनों के अंदर कंपलसरी हो जाना चाहिए वरना वो चीज़ नष्ट हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ई वे बिल की कंपल्शन नहीं लगाई गई क्योंकि ये जो सारी आइटम्स होती है उसकी मूवमेंट फ्रीक्वेंट और ज्यादा रहती है, तो इसके ऊपर ई वे बिल जनरेट करने की झंझट से अभी इन चीजों को बाकात रखा गया है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि जो चीजें जो सेफ्टी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी और उनकी जो जो ज्वेलरी उनमें से बनती है, या फिर गोल्ड बार हो या सिल्वर बार हो, उसकी स्लाइड्स हो, उनको अभी साइड में रखा गया। इसके अलावा जो कुकिंग गैस सिलेंडर्स है, बराबर है, कोई भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है तो इसके ऊपर अभी ई वे बिल बनाने की कंपल्सर नहीं है। इसके अलावा जो रॉ सिल्क है, क्योंकि गवर्नमेंट वुलन सिल्क और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, इससे कई लोगों की जो बेसिक नीड्स है इसके साथ कनेक्टेड है, रो सिल्क वूल और हैंडलूम आइटम्स के साथ। सो इन चीज़ों को भी हाल ही में जीएसटी के ई वे बिल के सेगमेंट से दूर रखा गया है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं हाउ टैरिफ इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय जीएसटी। पहले क्या होता था, जब वैट सिस्टम थी तो उस जगह पे अलग अलग तरीके से वैट जनरेट होते थे, सेल्स के ऊपर वैट्स लगता था, इम्पोज एंट्री टैक्स होते थे जैसे ऑक्ट्रॉय होता था, इवन रोड परमिट सिस्टम भी लेनी पड़ती थी। एक सिटी के अंदर सामान ले आने के लिए पहले ऑक्ट्रॉय भी भरना है, उसके बाद वही ऑक्ट्रॉय की चीज को दिखाना है कि जी हाँ ऑक्ट्रॉय भरा है, ये हमारा प्रूफ है, ये हमारी रिसिप्ट है। तो ये पूरी चीज है, इसको हटाने के लिए एक जीएसटी आया था और वही चीज जीएसटी अभी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। इसके अलावा जो लार्जन सेगमेंट में अगर देखा जाए कि जिस तरह से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जीएसटी के अंदर ई वे बिल का अभी हाल ही में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो ये जो लार्जर एक्सटेंट के अंदर जो सेटिस्फाई करने की चीज थी कि कोई भी इंसान टैक्स चोरी ना करे और ये पूरा ऐसा सिस्टम सेटअप हो सके, वो भी एक ऑनलाइन रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म के बेस के ऊपर, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो कि उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पूरे नेशन के अंदर हो सके, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो छोटे बड़े ऐसे बैरियर्स, टैक्स के बैरियर्स रखे गए थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स, उन सभी चीज़ों को हटा दिया जाए, इवन चेक नाकों पे भी करप्शन हुई थी, एंट्री टैक्स पे करप्शन होती थी, ये सारी चीज़ों को रोका जाए, इवन गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं भरे जाते थे, तो इन चीज़ों को रिमूव करना है। तो यही चीज़ जीएसटी अभी बेहतरीन तरीके से कर रही है, जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स है पूरे स्टेट के अंदर और पूरे नेशन के अंदर उसको ईजीली हो सके, बीच में कोई बिचौलिए चाहिए नहीं, ना चाहे वो गवर्नमेंट के हो या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, तो ऐसी कोई चीज हो ही ना, सब ऑनलाइन बेस पे हो जाए। इसीलिए जीएसटी लेके आया है ई वे बिल, और ई वे बिल जो होता है वो जनरेट किस तरह से होता है, जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क से। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो गुड की प्राइस है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली प्राइस में रिडक्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का विजन है और वो कहीं काफी बेहतरीन तरीके से अभी इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी जो जीएसटी जिस तरह से ई वे बिल को लेके आया है तो उसमें काफी छूट छाट दी गई है, तो वो किस तरह से है, तो बैक टू द ट्रैक आके देखते हैं कि जीएसटी के अंदर जो ई वे बिल की अभी जो हाल ही में इंप्लीमेंटेशन हुई है वो किस तरह से है। पहले तो ये वाली जो चीज थी ई वे बिल, वो फरवरी में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन सॉफ्टवेयर और टेक्निकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन था उस हिसाब से इंडिया
को लगा, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी को लगा कि हम पूरे के पूरे इस चीज को लेके तैयार नहीं है, तो उन्होंने 2 महीने का और वक्त लिया और इसको इंप्लीमेंट किया अपनी जीएसटी की एनिवर्सरी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ये लॉन्च होता है, इसके 3 दिन हुए हैं हाल ही में, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल। इस आर्टिकल में जो भी हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो पहले 3 दिन के हैं, जिसमें एक संडे भी है। तो ये जो पहले 2 दिन है इंक्लूडिंग संडे, 2 वर्किंग डेज और संडे दोनों को, तीनों को मिला 3 दिन जो होते हैं, उसके अंदर 5.5 लाख ईवे बिल जनरेट होते हैं जो जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से जनरेट होते हैं। और ये इससे ये साबित होता है कि अगर 3 दिन में अगर संडे को मिला के अभी जो स्टार्टिंग फेज में अगर उसमें 5.5 लाख बिल्स ईवे बिल्स जनरेट होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमने ये सॉफ्टवेयर जो बनाया वो इंफोसिस ने बनाया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर काफी कैपेबल है, जो पूरा नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है वो काफी सफिशिएंट है। अगर ये चीज बढ़ती भी है तो गवर्नमेंट इस चीज को कॉप अप करने के लिए पहले से लोडेड है। और जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी ज्यादातर खर्चे हो जाया करते थे एंट्री टैक्स के नाम पर, वो सारी चीजें कम होगी, जिससे कि प्राइस भी काफी रिड्यूस होगा। इसके अलावा हसमुख अढ़िया जी का कहना है कि जो एक्सपेक्टेड कलेक्शन है वो आगे जाके और भी बढ़ेंगे, इवन जब फाइलिंग रिटर्न्स होंगे उसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज है, क्योंकि अभी सिर्फ 20,000 ट्रांसपोर्टर्स ने यहाँ पर रजिस्टर करवाया है। और इसके अलावा जो जीएसटी के टैक्स पेयर है उनका फिगर अभी ट्रांसपोर्टर्स को मिला के 21 लाख टैक्सपेयर होता है, तो फिंगर्स अभी क्रॉस है, क्योंकि ये फिगर्स बहुत ही आगे जाने वाला है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये चीज हमने सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर दी है और हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो काफी ब्रॉड है। ये 5.5 लाख के जो फिगर्स सामने आए हैं 3 दिन को मिला के इंक्लूडिंग संडे, तो आगे आने वाले दिनों में अगर ये चीज बढ़ भी जाती है तो भी हम इसके लिए रेडी है और हमारे सिस्टम्स कहीं पर भी क्रैश नहीं होने वाली, क्योंकि हमने ऐसे बेहतरीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए इस चीज को डिजाइन किया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज आई है कि जीएसटी नेटवर्क से जो जीएसटी ईवे बिल जनरेट होते हैं, इससे इंटरस्टेट मूवमेंट के अंदर भी लागू होना है और इंट्रास्टेट मूवमेंट के अंदर भी लागू होना है। तो इससे पहले कि अगर हम देखें कि ये इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट काफी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरस्टेट होता है माने कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रैवल होना, जैसे कि राजस्थान से गुजरात, हरियाणा से पंजाब, इस तरह से कोलकाता से आसाम, इस तरह से अगर गुड्स की मूवमेंट होती है जिसमें ऑब्वियसली 10 किलोमीटर से ज्यादा की मूवमेंट हो जाने वाली है, और अगर वो गुड्स की कीमत 50,000 या उससे ज्यादा है, तो इस तरह की मूवमेंट को इंटरस्टेट मूवमेंट कहते हैं। और डिस्कस कर लेते हैं इंटरस्टेट मूवमेंट क्या होती है। इंटरस्टेट मूवमेंट यानी कि एक ही स्टेट में गुड्स की एक सिटी या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट, जिसमें भी डिस्टेंस होना चाहिए कंपलसरी 10 किलोमीटर से ज्यादा। अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा एक ही स्टेट में गुड्स की मूवमेंट होती है तो उसे इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और दोनों चीजों को करने के लिए क्या जरूरी है, सामान की जो कीमत है वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और वो पेरिशेबल गुड्स भी नहीं होने चाहिए, और वो वूल भी नहीं होना चाहिए, सिल्क नहीं होना चाहिए, हैंडलूम प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा गोल्ड स्विलर या फिर उनकी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान में रखने वाली है कि ये है कि ये इंटरस्टेट जो बात की हमने अभी, वो भारत के अभी एक ही राज्य ने इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर जीएसटी के ऊपर ईवे बिल कंपलसरी बनाया है, वो है कर्नाटका। तो याद रखिए कि जीएसटी के ईवे बिल को सबसे पहले कौन से स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है, तो उसका आंसर है कर्नाटका। ये भी हमें क्वेश्चन याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो नंबर्स जो होंगे वो काफी इंक्रीज होने वाले हैं, इसका अगर गौर फरमाया जाए, इस तरीके से देखा जाए कि ये कैसे हो सकता है, तो अभी जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो 1 अप्रैल 2018 को हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 डे को इंप्लीमेंट हुआ है। इससे काफी नंबर्स की अभी हम कह नहीं सकते कि जो प्रिडिक्टेड हमें नंबर्स जो मिले हैं उसके ज्यादा, उसके अलावा जो प्रिडिक्शन हमें देखने को मिलेगा कि कौन से नंबर पे जाके ये रुकता है, एवरेज मंथली कितने ईवे बिल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि काफी सारे बिजनेस ने अपने जो भी क्लोजिंग स्टॉक होंगे, अपनी जो मूवमेंट्स होगी वो ईयर एंड के ऊपर एंड अप कर दी होगी। तो जैसे जैसे साल में दिन आगे बढ़ते जाएंगे जो नंबर्स होंगे वो काफी बेहतरीन नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी तैयार रहना है, जीएसटी को भी तैयार रहना है कि किस तरह से नंबर्स जनरेट होते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि हम
स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस के ऊपर वर्क करते करते स्टेट के अंदर भी इंट्रा स्टेट जीएसटी ईवे बिल का इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो बातचीत है वो ये है कि जीएसटी का जो ईवे बिल है वो जनरेट किनको करना है और किनके पास ये बिल होना चाहिए। ऑब्वियसली जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं तो ये जो मूव करेगा वो कौन करेगा कि जो व्हीकल है जो ट्रक है वो ट्रक के ड्राइवर के पास वो जीएसटी ईवे बिल होना चाहिए और उन्हीं को ये जीएसटी ईवे बिल जनरेट करना है। तो ज्यादातर अभी तो सब लोगों को वक्त मिल गया था फरवरी से अप्रैल का तो ये सीख चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं सीखे हैं ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ड्राइवर्स की सेगमेंट को अगर देखा जाए तो वो काफी उनके लिए टफ है। तो अगर टैक्स इवेजन स्पॉट जो बनाई है गवर्नमेंट ने कि कौन जीएसटी नहीं भर रहा है और किन किन लोगों के पास ईवे बिल नहीं है उनके ऊपर जो पनिशमेंट और पेनल्टी वाली सुपरविजन की जाने वाली है, तो अभी गवर्नमेंट से मांग है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे उन लोगों के साथ, चाहे वो इंटरस्टेट मूवमेंट हो या इंट्रास्टेट मूवमेंट हो, थोड़ी एहतियात बरते और जो भी टाइम इन लोगों को चाहिए सीखने के लिए तो वो थोड़ी इवन ऐसी सिस्टम्स भी प्रोवाइड की जाए, ऐसे लेसन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाए जिससे कि जो ये क्लास है ड्राइवर क्लास जो एक चीज को दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं तो उनको ईवे बिल जनरेट करना है तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि ये लोग सब सीख सके, जो जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी देखने को ना मिले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी के रीजन के तौर पे ड्राइवर्स जो है वो ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाते। क्योंकि इतना भी स्ट्रिक होना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग फेज के अंदर कि लोग इसको कहीं ना कहीं ऐसा फंदा समझ ले कि नहीं ये हमारे लिए काफी इरिटेटिंग चीज है ईवे बिल को जनरेट करना। ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए कहीं ना कहीं इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से जीएसटी एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है अब तक के लिए। तो कहीं ना कहीं ईवे बिल के जो स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं इसके अलावा जो नंबर्स दिए गए हैं वो भी डिस्कसेबल है। और याद रखिएगा दोस्तों जीएसटी बिल को इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है कर्नाटका ने हाल में 4 अप्रैल को, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 4 अप्रैल 2018 को। दूसरा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसने इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए जीएसटी ईवे बिल को इंप्लीमेंट किया है और इंप्लीमेंटिंग डेट है जीएसटी ईवे बिल की नेशनलाइज वो है 1 अप्रैल। तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया हमारा। और दो कंडीशन 10 किलोमीटर मिनिमम मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड बी 10 किलोमीटर एंड द अमाउंट ऑफ गुड द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स शुड बी 50,000 और मोर और पेरिशेबल गुड्स और जो मटेरियल है जैसे कि सिल्क वूल है हैंडलूम आइटम्स है उन चीजों को और गोल्ड गोल्ड और सिल्वर और उनकी ज्वेलरी और पेरिशेबल गुड्स इन चीजों को भी बाकात रखा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो बेहतरीन आर्टिकल इसरो के साथ कनेक्टेड है और हमारे जीएस पेपर 3 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करता हुआ आर्टिकल है जो हर बार कहीं ना कहीं इसरो से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। तो इनमें से भी कुछ चीजें पूछ सकती है कि जीएस 86 है नाम का जो अभी एक व्हीकल हमने स्पेस में छोड़ा था हाल ही में जीएस 86 के बाद में, वो एक सुपर हाई स्पीड हाई पावर एस बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि कम्युनिकेशन के लिए इंडिया ने लॉन्च की थी। जैसे कि हाल ही में हम देखते हैं कि एक ही डिवाइस में ड्यूअल 4G होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसी तरह से ये जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन के बायलिटरल बेसिस के ऊपर वर्क करने के लिए छोड़ी गई थी और ये सैटेलाइट का जो लाइफ स्पान था वो 10 इयर्स का था। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखने वाली है कि अभी जो सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की गई थी जिसके अंदर एक इश्यू हुआ है उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उस सैटेलाइट का नाम है GS-86A, इससे पहले छोड़ी गई थी GS-86। और जो इसका मिशन था वो उसका लाइफ स्पान किया था 10 इयर्स। इस सैटेलाइट में क्या खास चीज थी वो देख लेते हैं। इस सैटेलाइट के अंदर एक 6 मीटर का चौड़ा एंटीना था और उससे क्या होता है वो स्पेस में जाने के बाद वो एंटीना खुलेगा और उस एंटीना के थ्रू उस मीडियम के थ्रू वो सिग्नल्स एक्वायर करेगा और सिग्नल्स को रिले करेगा जिससे कि कम्युनिकेशन एस बैंड कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं और हाई पावर एस बैंड कम्युनिकेशन की एस्टैब्लिशमेंट होगी। जो कम्युनिकेशन होगा वो काफी ब्रॉडर भी होगा और ये एक इसरो ऐसी सैटेलाइट है जो मोबाइल कम्युनिकेशन है जो पूरे देश के अंदर उसके लिए काफी हेल्पफुल थी और इस चीज को कंट्रोल करना काफी इजी था। ग्राउंड टर्मिनल्स के ऊपर यहाँ पे बैठे बैठे इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता था। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर जो एंटेना अभी यूज हुआ है वो काफी एक छोटी साइज का था और इसको लॉन्च करने के बाद एक बहुत ही बड़े साइज में ये कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि अभी जो छोड़ा गया है तब उसकी साइज कम है और वहां स्पेस में जाने के बाद ये 6 मीटर वाइडर एंटेना होने वाला है। तो इस चीज के अंदर GS-86 के अंदर ये खास चीज थी। इसके ऊपर भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया हुआ है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, इसकी लिंक भी आपको मिलेगी। GS-86 के लॉन्च के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। इससे आगे चल के बात करते हैं
कि जो लॉन्च हुआ है उससे हमें लेसन क्या मिला है। अब तक इसरो ने ऐसे कहीं स्पेस व्हीकल्स लॉन्च किए हैं और कम्युनिकेशन के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट काफी लॉन्च की है, जैसे कि हाल ही में ऐसी खबर मिली कि 29 मार्च को एक बहुत बुरी खबर मिलती है इसरो को कि जो GS-86 वो लॉन्च हुआ है उसके साथ उसका कनेक्शन कट हो चुका है। और वो जब तीन स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे पृथ्वी में से निकलता है इतने किलोमीटर, सपोज कि 10K ट्रैवल करता है तो उसका जो पहला फ्यूल टैंक होता है वो उससे डिसटैच हो जाता है, उसके बाद दूसरा फ्यूल टैंक वहां से वर्क करना शुरू कर देता है और वो आगे जाके 20,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है और वो फ्यूल टैंक खत्म होने के बाद वो भी डिटैच हो जाता है। अब बात होती है थर्ड फ्यूल टैंक की, जब दूसरा खत्म होता है थर्ड शुरू होता है, तो ये थर्ड वाला जब स्टार्ट करना है हमें फ्यूल टैंक, तब कहीं जाके कोई ऐसे या तो टेक्निकल एरर से या फिर कोई शॉर्ट सर्किट वहां पे कुछ हुई है सैटेलाइट के अंदर स्पेस में, जब वो थर्ड इंजन स्टार्ट होने वाला है, फ्यूल टैंक स्टार्ट होने वाला है, तब जहीं जाके कहीं कनेक्शन टूट जाता है और इसरो जो है कॉन्स्टेंट 31 मार्च से अब तक कॉन्स्टेंट अपने एफर्ट्स कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो फाइनल फायरिंग होने वाली थी वो कहीं से एक्स्ट्रा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए और फाइनल फायरिंग वो लोग कर दे, जिससे कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में जिस जगह पे सैटेलाइट को पहुंचना है वहां पहुंच जाए। अगर ये हो जाता है तो ये पूरा मांजरा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो चीज हुई है इससे पहले इसरो के साथ कभी हुई नहीं थी, ऐसी पहले कैसे हुई, तो इसके ऊपर इसरो सबसे ज्यादा फोकस दूसरी ओर ये भी कर रहा है कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि आने वाले अभी इसरो के जो मिशन है उसके ऊपर भी ऐसी इम्पैक्ट बनती है और इवन इसरो को इंटरनेशनली भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल चीज है कि इस प्रॉब्लम को या तो सॉर्ट आउट किया जाए या फिर इस प्रॉब्लम का पहले कुछ रीजन फाइंड आउट किया जाए कि ये हुआ तो कैसे हुआ और इसकी स्पेसिफिक क्या कंडीशन हुई जिससे कि इस चीज का निर्माण होता है। इसके आगे चल के बात कर लेते हैं कि जो ये जो सैटेलाइट थी उसमें दो चीजों की बात डिस्कशन हुई है आर्टिकल के अंदर। एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट का ही पार्ट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो जियो सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट होती है उससे पहले जो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर होता है, तो जो सैटेलाइट इक्वेटर के साथ मूव करती है अर्थ के साथ, जो एक दिन में मून को जितना टाइम लगता है, एक दिन को पूरा करने में अर्थ को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स को, इसी टाइम में ये ऑर्बिट के ऊपर रोटेट करने से ये सैटेलाइट भी इतना ही टाइम लेती है। तो ये जो इक्वेटर से ट्रैवल होने वाली ऑर्बिट पे अगर कोई सैटेलाइट मूव करती है तो उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और इसको जियो स्टेशनरी कहने का जो भी मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जियो यानी कि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो अर्थ से सैटेलाइट और सैटेलाइट से अर्थ का एक सिमिलर पोर्शन ही देखने को मिलेगा। नो डाउट दोनों चीजें मूव कर रही है, अर्थ को और खुद को, दोनों को, जैसे अर्थ सन को मूव करती है सैटेलाइट अर्थ को मूव करती है, लेकिन दोनों तरीके से दोनों एंगल से अगर देखा जाए सैटेलाइट और फिर अर्थ से एंगल से, तो दोनों चीजें अपने सेम ही सिचुएशन में हर टाइम देखने को मिलेगी। इसी यहाँ पर वर्ड होता है जियो। और जो सीओ सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे इक्वेटर वाली जो ऑर्बिट होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से मूव करेगी रोटेटिंग फेज में। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होगी वो कुछ इस तरह से मूव करेगी, ऐसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स के अंदर, इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में हल्का सा झुका हुआ, जैसे कि हमारी अर्थ हल्की सी झुकी हुई है अपने एक्सिस से, तो इस तरह से ये वर्क करेगी। और यहाँ पे जो हुआ है वो जो थर्ड फेज जो लास्ट स्टेज होता है वहां से जो लास्ट फ्यूल टैंक उसको जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट पे लेके जाता है, वहीं पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, जब इसरो ने जीएसएलवी व्हीकल्स, इससे पहले पास्ट इयर्स में देखा जाए तो 12 ऐसे लॉन्च व्हीकल्स स्पेस में छोड़े, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये वाला जो सैटेलाइट है GS-86 उसमें पहली दफा कुछ या तो शॉर्ट सर्किट हुए या फिर पावर ग्लिच देखने को मिली है कि पावर कहीं पर रुक गया है या फिर चल नहीं रहा है। तो ये पूरी चीज को डिस्कस करना और अब देखना काफी इसरो के लिए जरूरी है, क्योंकि जो इसरो का जो नेक्स्ट मिशन है वहीं पर उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, कि जो दूसरा उसका मिशन है वो इसरो का नेक्स्ट मिशन होने वाला है मून मिशन चंद्रयान 2। इसरो अगले साल मून के ऊपर अपनी सैटेलाइट भेजने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। उसका नाम भी चंद्रयान 2 ही रखा जाने वाला है।
तो इससे पहले कि वहाँ की जो कंडीशंस है और उस ये जो पूरी कंडीशन हुई है दोनों को मिला के ऐसा कोई आंसर या रीजन फाइंड आउट करना इसरो के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसरो अपने आप में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोग भी साइंस और टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी इसरो की पूरी इंफॉर्मेशन रखना काफी इंपॉर्टेंस मानते हैं, और इसरो को बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजरिए से इवन इंटरनेशनली भी देखा जाता है। जैसे कि नासा ने काफी सारे एक्सपेंस करने के बाद अपनी सैटेलाइट को मार्स में उतारा, उससे काफी कम कोस्ट के अंदर इंडिया जो कॉस्ट एफिशिएंसी से इसरो वर्क करता है इसके लिए विश्व में इसरो बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है जो पहली दफा आई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना और आंसर ले पाना काफी जरूरी है, क्योंकि इसरो उसको वर्ल्ड वाइड ऐसे आंसर्स देना काफी जरूरी है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट इतनी जनरेट हो चुकी है इंटरनेशनली। तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी डिटेल्ड आंसर्स आएंगे इसरो को लेकर, तो इसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, जो भी रशियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, रशियन एक्सक्लूजन के ऊपर जो भी हमने वीडियो बनाया उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में से देखना ना भूले। और हम 13 मई 2018 को हमारे मटेरियल कोर्स और वीडियो लेक्चर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी आपको आने वाले वीडियो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर हमें कमेंट करें। और जो पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, उसका आंसर हमें दे, हम आपका नाम अपनी स्लाइड के ऊपर डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा ये इस वीडियो के आप अपने व्यूज जरूर बताएं, हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ओके दोस्तों, और आपके सुझाव हमें जरूर बताया गया, और ये भी बताया गया आप कौन कौन सी चीजों के ऊपर वीडियोस प्राप्त करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कमिटेड है कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पिरोसना हमारा वादा है। जय हिंद।